सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और मैं फिर से आ गया हूँ एक आप लोगों का डाउट क्लियर करने के लिए। तो काफ़ी सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन है कि स्टैंजर का जो SV4 एम्पलीफायर है ना, इसके अंदर एक नया स्विच ऐड कर दिया गया है। और कोई कोई लोग इसको सोच रहे हैं कि ये कोई हॉर्न सिलेक्टर स्विच है, किसी किसी लोग सोच रहे हैं कि ये कोई सबवूफर का स्विच है। लेकिन एक्चुअल में ये स्विच कौन से काम के लिए लगा हुआ है, वो आज के इस वीडियो में आप लोगों को क्लियर करने वाला हूँ। तो लास्ट तक वीडियो देखते रहिए, आई होप आपको सारा जो डाउट है आपके मन में सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फटाफट देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो स्टैंजर का SV4 के एम्पलीफायर है, ये एम्पलीफायर ज़्यादा दिन नहीं हुआ अपडेट किया गया है, लगभग एक या फिर डेढ़ महीने, मैक्सिमम हो सकता है ये दो महीने हुआ है ये एम्पलीफायर अपडेट कर दिया गया है। तो हो सकता है आपको ये एम्पलीफायर अभी किसी किसी दुकान में ना मिले, क्योंकि ये एम्पलीफायर ज़्यादा दिन अभी नहीं हुआ अपडेट किया गया है, तो थोड़ा सा मार्केट में आने में टाइम भी लग सकता है, ठीक है। और लेने के टाइम आप थोड़ा सा देख कर लीजिएगा ये स्विच इसके पीछे लगा हुआ है, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोगों को पहले क्लियर कर देता हूँ ये स्विच एक्चुअल में क्या स्विच है। ये जो देख सकते हो आप लोग बैक पैनल में, ये जो स्विच है, इसी स्विच के ऊपर सभी लोगों का कन्फ्यूज़न है। कुछ कुछ लोग सोच रहे हैं कि ये स्विच कोई भी सबवूफर का स्विच है। तो पहले ही आप लोगों को क्लियर कर दूँ, ये कोई सबवूफर मोड का स्विच नहीं है। तो कुछ कुछ लोग इसको सोच रहे हैं कि ये हॉर्न सिलेक्टर स्विच है, जैसे कि SPV3 के एम्पलीफायर में कुछ दिन पहले आया था हॉर्न सिलेक्टर स्विच, मतलब जो अपडेट कर दिया गया है SPV3 के एम्पलीफायर में हॉर्न का स्विच यहाँ पर लगाया गया है। तो कुछ लोग सोच रहे हैं कि ये हॉर्न सिलेक्टर स्विच है। और आप लोगों को एक और बात भी बता देता हूँ, SPV3 के एम्पलीफायर के अपडेट के ऊपर मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, जो कि ऊपर आपको आई बटन पर मिल जाएगा, वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो आप लोग। तो आप लोगों को ये बात भी क्लियर कर देता हूँ, SPV4 के एम्पलीफायर के पीछे ये जो स्विच है, ये स्विच आपका कोई भी हॉर्न सिलेक्टर स्विच नहीं है। तो अभी आप लोग अगर एम्पलीफायर के ठीक ऊपर की तरफ देखोगे, तो यहाँ पर न्यूली जो एम्पलीफायर आ रहे हैं उसके ऊपर लिखा हुआ है कि लो कट फिल्टर स्विच ऑन बैक पैनल, ठीक है। मतलब पीछे की तरफ जो स्विच है उसकी ही बात कर रहे हैं। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लो कट फिल्टर स्विच ऑन, मतलब लो कट फिल्टर, मतलब ठीक से अगर बताऊँ तो बेस कट फिल्टर, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि बेस का कट होने का फिल्टर का स्विच है पीछे की तरफ, ठीक है। बेस का कट होने का फिल्टर स्विच जो कि पीछे की तरफ इसके लगाया गया है, और पीछे की तरफ कितना फ्रीक्वेंसी का बेस कट होगा वो पीछे की तरफ स्विच के पास में ही लिखा हुआ है कि 40 हर्ट्ज का बेस कट होगा। तो यहाँ पर आप लोगों को स्विच के पास में ही क्लियर करके लिखा गया है कि 40 हर्ट्ज लो कट, ठीक है। मतलब इस स्विच को अगर आप लोग ऑन करोगे तो 40 हर्ट्ज का बेस वो कट कर देगा। अभी बात करूँ अगर 40 हर्ट्ज का बेस जो लो फ्रीक्वेंसी होता है वो अगर आप लोग ऑन करते हो, मतलब ये स्विच अगर आप लोग ऑन करते हो, तो आप लोगों को ठीक से समझ भी नहीं आएगा कि एक्चुअल में कोई भी फ़र्क हो रहा है कि नहीं, ठीक है। मतलब जो 40 हर्ट्ज का बेस होता है वो आप लोग ठीक से सुन भी नहीं सकते, ठीक से फील भी नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन थोड़ा बहुत हल्का फुल्का आप लोगों को इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा, हो सकता है अगर आप इसमें बेस का यूज़ करते हैं तब आपको थोड़ा बहुत हल्का फुल्का इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है कि थोड़ा बहुत बेस कट होगा हल्का, जो कि आप लोग अगर इसमें बेस बजाते हैं तब आपको थोड़ा बहुत हल्का फुल्का फ़र्क सुनने को मिल सकता है, या फिर नहीं भी मिल सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये स्विच अगर आप लोग ऑन करते हो तो हल्का फुल्का सा बेस कट होगा, जो कि 40 हर्ट्ज़ का बेस होगा, ठीक है। या फिर आप इसको फ्लैट में बजाइए तो नॉर्मल तरीके से बजेगा। तो बैक पैनल में बस यही अपडेट कर दिया गया है, बाकी बैक पैनल में और कोई भी चेंजेस नहीं है, ठीक है। फ्रंट पैनल की अगर बात करूँ तो फ्रंट पैनल में तो जैसा था वैसा ही है, कोई भी चेंजेस नहीं है। आउटपुट की अगर बात करूँ तो आउटपुट आपको अभी ये एम्पलीफायर 8 ओम्स में 770 वाट का पर्सनल आउटपुट करेगा, 4 ओम्स में 1275 वाट का पर्सनल आउटपुट करेगा, एंड 2 ओम्स में 2000 वाट का पर्सनल आउटपुट करता है, ये तो लिखा हुआ ही रहता है, ठीक है। पहले तो कंपनी ये बताता ही नहीं था, लेकिन अभी ये क्लियर करके बता दिया है कंपनी ने, ठीक है। और एक चीज़ जो कि SPV2 के एम्पलीफायर एंड SPV3 के एम्पलीफायर में आ गया है ब्रिज मोड, लेकिन अभी तक SPV4 के एंड 5 के में तो ब्रिज मोड आया नहीं है, हो सकता है बाद में कभी SPV4 के और 5 के में भी हम लोगों को ब्रिज मोड का ऑप्शन देखने को मिल जाए। तो आई होप आप लोगों का सारा डाउट क्लियर हो गया है। प्राइस की अगर बात करूँ न्यूली एम्पलीफायर का प्राइस, तो 36,500 से लेकर 38,000 के अंडर ये एम्पलीफायर आपको मार्केट में मिलना चाहिए। और आप लोगों को फ्रीक्वेंसी की बात तो बता दिया, 40 हर्ट्ज के नीचे और 40 हर्ट्ज एंड उसके नीचे का फ्रीक्वेंसी ये कट करेगा, जो कि आप लोगों को सुनने में भी कोई फ़र्क उतना पता नहीं चलेगा सुनने में, ठीक है। अगर आप लोग बेस बजाते हो तो आपको थोड़ा बहुत फ़र्क सुनने को मिल सकता है। तो ये था पूरा वीडियो, जो जो डाउट था सारा कुछ क्लियर हो गया है।
वीडियो अगर अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, सब्सक्राइब करो यार चैनल को, क्यों देरी कर रहे हो। चलो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।